की गुणवत्ता में गिरावट के कारण आयुर्वेदिक इलाज। नियमित शुक्राणुओं की कमी। नियमित शुक्राणुओं की कमी का अर्थ है कि यौन प्रक्रिया के दौरान पुरुषों के लिंग से निकलने वाले सीमेन में कम शुक्राणुओं का होना। कम शुक्राणुओं की समस्या यानी लो स्पर्म काउंट को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। शुक्राणु का उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया है, इसके लिए वृषण के साथ साथ पिट्यूटरी ग्रंथियों को सामान्य रूप से कार्य करने की आवश्यकता होती है। वृषण में उत्पन्न होने के बाद शुक्राणु पतली ट्यूब्स में तब तक रहते हैं जब तक वीर्य के साथ मिलकर लिंग से बाहर नहीं निकल जाते हैं। एक पुरुष के वीर्य में सामान्य तौर पर शुक्राणु की संख्या 15 मिलियन शुक्राणु से 200 मिलियन से अधिक शुक्राणु प्रति मिलीलीटर तक होती है। यदि किसी पुरुष के 1 मिलीलीटर सीमेन में 15 मिलियन से कम शुक्राणु की मात्रा है तो उसको कम शुक्राणुओं की समस्या है। मोबाइल व ईमेल नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेदिक उपचार, घरेलू नुस्खे एवं स्वास्थ्य संबंधी नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें। नियम की गुणवत्ता में गिरावट के कारण। भारी धातुओं के संपर्क में। सीसा या अन्य भारी धातुओं के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। वृषण अधिक गर्म होना। यह आपके शुक्राणुओं की संख्या को भी प्रभावित करता है। मोटापा। मोटापा शरीर में हार्मोनल परिवर्तन का कारण बनता है जिसके परिणामस्वरूप पुरुषों की प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाती है। यौन संक्रमण। यौन संक्रमण वीर्य में शुक्राणु के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तनाव। लंबे समय तक तनाव के कारण शुक्राणु पैदा करने वाले कुछ आवश्यक हार्मोन असंतुलित होते हैं जिसके कारण वीर्य की गुणवत्ता में गिरावट आती है। नियमित शुक्राणु बढ़ाने का आयुर्वेदिक इलाज। स्पर्मेक और वाइटल M40 कैप्सूल्स वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार है। यह वीर्य की मात्रा, पुरुष शक्ति और प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इस आयुर्वेदिक उपचार में मौजूद जड़ी बूटियां हार्मोनल स्राव में उचित संतुलन लाती है। यह हानिकारक हार्मोन्स के स्राव को रोकती है। जो टेस्टोस्टेरोन को नष्ट कर देते हैं, यह कैप्सूल शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ावा देते हैं। शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए स्पर्मेक कैप्सूल के साथ वाइटल M40 कैप्सूल की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन कैप्सूल में पौष्टिक और ऊर्जा बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां होती है जो पुरुष शरीर में दुर्बलता और कमियों को दूर करती है। यह आयुर्वेदिक उपचार न केवल वीर्य की मात्रा बढ़ाता है और शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाता है बल्कि एक पुरुष की संभोग क्षमता में भी सुधार करता है। शुक्राणुओं की गतिशीलता बढ़ाने के साथ यह कैप्सूल्स कम कामेच्छा, निपुसंगता और शीघ्रपतन जैसे विकारों को भी दूर करता है। यह आयुर्वेदिक उपाय उम्र बढ़ने, बुरी आदतों, खराब पोषण, स्वास्थ्य की स्थिति और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के दुष्प्रभावों को कम करता है और वीर्य की मात्रा बढ़ाता है।
स्पर्मेक और वाइटल M40 कैप्सूल्स पुरुष की शक्ति को बढ़ाने के लिए शुक्राणुओं की संख्या में वृद्धि करती है और जीवन में लंबी अवधि के लिए उनकी प्रजनन क्षमता को बनाए रखने के लिए उनकी जीवन शक्ति में सुधार करती है। यह आयुर्वेदिक कैप्सूल्स वीर्य में शुक्राणुओं की कमी को दूर करते हैं और वीर्य की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, जिससे एक पुरुष को स्वस्थ यौन जीवन जीने की अनुमति मिलती है। स्पर्मेक और वाइटल M40 कैप्सूल्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। निष्कर्ष: शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने के लिए यदि आयुर्वेदिक स्पर्मेक और वाइटल M40 कैप्सूल्स का सेवन किया जाए तो परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। स्पर्मेक और वाइटल M40 कैप्सूल्स में जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है, जैसे जड़ी बूटियां, कोखरू, शिलाजीत, कौंच बीज, सफेद मूसली, केसर, दालचीनी, शतावरी आदि। यह जड़ी बूटियां शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता बढ़ाने में अत्यंत फायदेमंद है। वीर्य में शुक्राणु बढ़ाने का आयुर्वेदिक इलाज: सौ % प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित, 1,00,000 से अधिक संतुष्ट ग्राहक, GMP प्रमाणित गुणवत्ता, संपूर्ण भारत में उपलब्ध। Buy Spermic and Vital M40 capsules from AyushRemedies.in। प्रोडक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप इस तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सोशल साइट्स पर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए YouTube के बेल आइकॉन को प्रेस करें।